अरे 15 किलो लंठू पागल है तू पागल है। अरे लड्डू लिया हाँ भैया, जब लड्डू लिया है भैया को गांव वालों के बातें अनुराग पड़ोसन के औरतन के बोला कि सोहर गवाए मेरी तमाम खुशियां मनाया और का भैया हो लाल बहादुर तुम्हारा जितना पैसा खर्च हुआ है हाँ मैं भुगतान करूंगा, मैं वहां करूंगा, हमारी कोई जरूरत नहीं। ना 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 हम पैसा ना ले, बच्चे को देखने के लिए जिन हल्का सी मच रही। अरे वाह, किस सबसे पहले अपने औलाद को देखो, मेरा औलाद कैसा है भैया, किस पे गया है, मुझे पड़ा हुआ है अपनी माँ पे गया हुआ है। अरे यार माए बाप ने पढ़े का दूसरे के पढ़ी है हाँ। अरे दादा दादी भी पढ़ सकते हैं है बाप सही है हाँ? जैसे हम हूँ पढ़ सका हूँ जरूर है पाए हो अच्छा तो बिना पाए हो सारे तो खानदान को चाहिए भाई साहब क्या करते हैं सर लाल बहादुर यार ये सावित्री बेहोश पड़ी हुई है, इसके मुख में खून लगे हुए हैं। अच्छा खून लगा था, खून लगने का मतलब यह हुआ है कि घर में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ। हाँ बताओ भाई साहब, अगर तरह से कर लो ऐसा बात ना लड़ाई झगड़ा कर लो बात ही जाएगी भैया पड़ोसियों से। हाँ किसी से नहीं भाई साहब, न घर में किसी बात में ना पड़ोसी से लड़ाई से किसी से नहीं भैया। तो ये खून कैसा यार, ये बेहोश पड़ी हुई है तो समस्या है भैया। अरे ना भगले, ये देखिए मासूम बच्चा मरा हुआ है, इस बच्चे के शरीर से खून बह रहा है, इसलिए कह रहे ये बच्चा मर गया है। और ये कुल्हाड़ी देख रहा है हाँ भैया, यही से कत्ल हुआ है मेरे भाई, इस कुल्हाड़ी में खून लगा हुआ है, लहू लगा हुआ है, लगता है इसी से मारा गया है। सही बात भैया, हे भगवान कौन हो सकता है, आखिर किससे इस बच्चे की दुश्मनी हो सकती है। लाल बहादुर भैया, घर में किसी लड़ाई झगड़ा हुआ है, पड़ोसियों से दुश्मनी है, तो कौन दुश्मन बन सकता है। कौन एक अपराध बच्चे का कत्ल कर सकता है, ऐसा कर सबसे पहले इसके ऊपर पानी के छींटे मार दे, होश में आ जाए तब हकीकत मालूम होगा। मैं तुझे क्या समझता था, मैं तो यही समझता था कि मेरी पत्नी वाकई में लक्ष्मी है, मेरे घर में एक देवी की तरह बनकर आई हुई है, लेकिन मुझे क्या मालूम कि लक्ष्मी लक्ष्मी है। तुम्हें साफ साफ बताना होगा और सोच ले, जरा सा भी झूठ बोलने की कोशिश किया या सफाई देने की कोशिश किया तो आज मारते मारते मैं तेरी अरे
देना पाप के सभी के वाली तो बड़ा शुक्रिया शुक्रिया बोल है। अगर तुमने खून नहीं किया तो खून कौन है? मुंह में खून कैसा लग गया? हारमोनियम कम करा। अगर मेरे घर में डाकू आए थे कम करा तो डाकू घर का धन दौलत ले जाते, घर का सारा सामान बिखर सकता था, लेकिन तो सामान बिखर दिखाई दे रहा है, सारा सामान सुरक्षित है और तेरे गले में ये मंगलसूत्र है, जेवर है, गहना है, ऐसे क्यों नहीं हो गया? कम समय लगे घर का कोई मामला जम गया तो इसका मतलब क्या था कि डाकू ने तेरे साथ दुराचार किया? ऐसा भी नहीं हुआ, तेरे असमत के साथ वो खिलवाड़ नहीं किए, सिर्फ बच्चे का भूल किए, Thank you.
हराम फिल्म छात्रियों की तरह मगर मच्छ जैसे आंसू देखकर मेरा दिल भी हो जाएगा। मैं तुझे प्रशासन के हवाले करूंगा, जब तुझे कानून को सौंपूंगा, जब तू चार दिनों में कैद रहेगी, तब तुझे आभास और एहसास कि अगर मैं ऐसा न करती, अपने बच्चे के खून न पीती, उसका लहू न पीती, उसका खत न करती, तो ये क्यों देखने को मिलता है? तेरा ही दिमाग खराब हो गया सर। अरे आहिस्ता बता, निन्यानवे छत्तीस तिरानवे बत्तीस तिरानवे बत्तीस जीरो तीन जीरो तीन हेलो।